सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टीम संघर्ष एवं रोटरी क्लब दलमा के सहयोग से लगातार इस सेंटर में सेवाएं प्रदान किया जा रहा है, जहां अभी तक 36 मरीज यहां दाखिल लिए गए हैं, जिसमें 4 मरीज को बेहतर चिकित्सा के लिए अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया, वहीं 30 मरीज पूर्णतया स्वास्थ्य लाभ लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए हैं। टीम संघर्ष परिवार के अभिभावक जाने माने समाजसेवी डॉक्टर विजय मोहन सिंह का पूर्ण रूप से सहयोग इस कोविड केयर सेंटर को मिला है, जिन्होंने लगभग एक साल में ही अपने निस्वार्थ भाव से सेवा का परिचय देकर जमशेदपुर के हर एक लोगों के दिल में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज भी निस्वार्थ भाव से MGM अस्पताल के कोविड केयर सेंटर के मुख्य जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। इसके पश्चात टीम संघर्ष परिवार के अभिभावक पकमित्रा के आग्रह पर भीरानी कुदूर स्थित उनके घर जाकर उनके घर को भी पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया। इस दौरान उपस्थित रहे समाजसेवी डॉक्टर विजय मोहन सिंह, CGPC के प्रधान गुरमुख सिंह मुखेजी, अरजीत सरकार, विजन सरकार एवं अजीत कुमार भगत। कोरोना के पहले लहर के समय से ही टीम संघर्ष परिवार ने विभिन्न दिशाओं में कार्य करते हुए अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। चाहे वह रक्तदान का मामला हो, अपने कई सहयोगी संस्थाओं को साथ लेकर अभी तक करीब 5000 यूनिट से अधिक रक्त संग्रहित कर जमशेदपुर ब्लड बैंक को सुपुर्द किया गया। शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव जहां सबका पहुंचना भी असंभव था, वहां पहुंचकर हजारों परिवारों के बीच राशन प्रदान करना हो, 1 लाख से अधिक मास्क प्रदान करना हो, वर्ष के 290 बेला 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना हो, कोरोना के प्रथम लहर से लेकर दूसरी लहर तक प्लाज्मा रक्तदान के लिए जागरूकता अभियान एवं साथ ही साथ दुल्हन जैसा सजाया हुआ गाड़ी में प्लाज्मा रक्तदाताओं को घर से लाकर जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान कराते हुए वापस उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाना, 24 घंटे सेवाएं देने हेतु तत्पर रहते हुए किसी के घर राशन, सब्जी, दवा आदि पहुंचाते हुए कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जमशेदपुर से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। टीम संघर्ष परिवार आज अपनी सेवा के तहत पहुंचा साक्षी गुरुद्वारा परिसर में मॉडर्न स्कूल, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से वहां 10 बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है। टीम संघर्ष परिवार, रोटरी क्लब दलमा का पूर्ण सहयोग सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही कुछ सहयोग राशि प्रदान किए और आज उसी के तहत उस पूरे परिसर को टीम संघर्ष परिवार के द्वारा सैनिटाइज किया गया है और इस कोविड सेंटर की देखरेख हेतु आज हमारे बीच लगातार 2 बेला मौजूद रहते हैं जाने माने समाजसेवी डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी। उनके मार्गदर्शन में इस कोविड केयर सेंटर की और भी कई अन्य डॉक्टर स्वर्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र जी, सभी का सहयोग सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मिल रहा है। और आज ये खुशी की बात है कि लगभग 34 ऐसे मरीज जो यहां आए थे, जिसमें 4 मरीज को और बेहतर इलाज हेतु यहां से रेफर किया गया, लेकिन 30 मरीज अपना स्वास्थ्य लाभ कर घर पहुंच गए हैं। उसके बाद टीम संघर्ष परिवार का काफिला निकला हमारे आदरणीय मार्गदर्शक श्रीमान दीपक कुमार मित्रा जी के घर। उनके पूरे घर को भी उनके आग्रह पर आज टीम संघर्ष परिवार ने पूर्णतया सैनिटाइज कर दिया और आगे भी ये प्रयास टीम संघर्ष परिवार का जारी रहेगा।